नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 2 फरवरी। आज का सवाल आज की 25 बड़ी खबरों में से ही है, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पशुपालन विभाग में जल्द की जाएगी भर्तियां। बिहार में पशुपालन विभाग में नौकरी की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग ने 3500 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। आपको बताते, लंबे समय से बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन कई योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब जल्द ही रिक्त पदों पर बहाली तेज की जाएगी। BPSSC ने दरोगा भर्ती की तैयारियां कर ली पूरी। दरोगा नियुक्ति के लिए हाल ही में ली गई PT परीक्षा के परिणाम की घोषणा होने के बाद अब बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग लिखित परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। खबरों की माने तो दरोगा नियुक्ति की इस परीक्षा का आयोजन अप्रैल महीने के अंत तक या फिर मई के पहले सप्ताह में आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के पदाधिकारी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया है कि पीटी का रिजल्ट सभी क्राइटेरिया के अनुकूल ही दिया गया है। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से किसी भी तरह की अफवाह से बचने का संकेत दिया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑफिस सबऑर्डिनेट और ड्राइवर पदों के लिए निकाली रिक्तियां। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑफिस सबऑर्डिनेट और ड्राइवर पदों के लिए आवेदन की मांग की है, जिसके तहत आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने ऑफिस सबऑर्डिनेट के लिए 100 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। वहीं ड्राइवर पद के लिए 11 आवेदनों की मांग की गई है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को कक्षा 8 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार या समकक्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए। ड्राइवर के पद के लिए उम्मीदवार को अंग्रेजी, तेलुगु, उर्दू या हिंदी पढ़ने या लिखने का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार का स्वास्थ्य और चरित्र अच्छा होना चाहिए। वेल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइवर की स्थिति के लिए 1 साल का ड्राइविंग अनुभव भी आवश्यक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार hp.ap.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। वेतन नहीं मिलने वाले शिक्षकों के लिए DPO को जारी किया गया शो कॉज नोटिस। शिक्षा विभाग ने हाल ही में ऐसे शिक्षकों की सूची जारी की है जिन्हें अभी तक उनका वेतन नहीं दिया गया है। इस सूची में कुल 18 जिलों के शिक्षकों का नाम जोड़ा गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी जिलों के DPO को शो कॉज नोटिस जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से CFMS के अंतर्गत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को सितंबर महीने तक का वेतन नहीं दिया गया है। सोनपुर के युवाओं ने बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर बनाई श्रृंखला। जहां एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली यात्रा से जागरूक करवाने के लिए अब तक के सबसे बड़ी श्रृंखला का आयोजन किया था, वहीं दूसरी तरफ सोनपुर के युवाओं ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर श्रृंखला का आयोजन किया था, जिसके तहत यह श्रृंखला सुबह 11:30 बजे से 12 बजे तक सोनपुर के गोविंदचक मोड़ के पहले जा घाट तक निकाला गया था। इसके साथ ही श्रृंखला में शामिल हुए सभी युवाओं ने यह साफ कहा है कि बनाई गई इस श्रृंखला का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। यह श्रृंखला सिर्फ और सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर है। बैंक यूनियन के बैंक बंद से आम जनता को हुई काफी परेशानी। बैंक यूनियन द्वारा 31 जनवरी से 1 फरवरी तक बैंक बंद का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। जहां दिन भर कामकाज से प्रभावित रहा ही आम नागरिकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी और जमा समेत विभिन्न सेवाएं प्रभावित रहीं। आपको बता दें, सभी बैंक यूनियन ने यह बंद वेतन वृद्धि समेत 8 सूत्रीय मांगों के लिए इस बंद का आह्वान किया था। कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जताया आभार। हाल ही में बेतिया जिले में CAA और NRC के खिलाफ सभा करने से रोके जाने वाले कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्थानीय पुलिस को कन्हैया को सभा करने देने की अनुमति दिलवाई थी, जिसके पश्चात कन्हैया कुमार ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के कहने पर रोका गया था। राज्य के 5 IPS अधिकारी भेजे जाएंगे ट्रेनिंग पर। जल्द ही राज्य के 5 IPS अधिकारियों को बिहार सरकार ट्रेनिंग पर भेजने वाली है। इन सभी IPS अधिकारियों को हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में भेजा जाएगा। वहीं इन IPS अधिकारियों के ट्रेनिंग के समय सीमा की बात करें तो ये सभी अधिकारी 3 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वहीं इन सभी अधिकारियों की जगह पर फिलहाल 3 IPS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जदयू ने की NPR में बदलाव की मांग। CAA पर फैले विरोध को देखते हुए राज्य सरकार अब NPR के मामले में कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं दिख रही है। यही कारण है कि NPR लागू करने से पहले इस बार बिहार सरकार सभी पहलुओं पर अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहती है। इसी क्रम में हाल ही में जदयू ने NPR के मुद्दे पर मीटिंग की थी, जहां पर जदयू पार्टी की तरफ से ललन सिंह ने NPR में माता पिता के डिटेल्स देने पर आपत्ति जताई है, जिस पर जदयू को अकाली दल ने भी सहयोग किया है।
बिहटा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण अब अपने अंतिम चरण पर। बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के काम में सरकार तेजी ला रही है, जिसके तहत एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 173 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अब तक 8 एकड़ और भूमि का प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्री को भेज दिया गया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन, एयरपोर्ट प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने बैठक कर भूमि अधिग्रहण को आगे बढ़ाने पर सोच विचार किया है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे मनोज भावुक की। भोजपुरी भाषा के कवि, अभिनेता, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और स्क्रीन लेखक मनोज भावुक का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था। मनोज ने अपने जीवन में कई किताबें लिखी और 2006 में उनके गजल संग्रह तस्वीर जिंदगी के लिए भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनोज को व्यापक रूप से भोजपुरी सिनेमा के विश्व कोश के रूप में जाना जाता है। वह एक भोजपुरी फिल्म समीक्षक भी है और उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग की भोजपुरी शैली में अभिनय भी किया है। इतना ही नहीं, साल 2016 में मनोज एक लेखक के रूप में भी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज लिमिटेड के साथ जुड़े थे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही दिन शेष है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तैयारियों के सिलसिले में भी तेजी आ गई है। इसी क्रम में इस बार दिल्ली में दो सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे जदयू आज दिल्ली की दो सीटों के लिए प्रचार प्रसार करेगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही आज दो चुनावी सभाओं का संबोधन करेंगे। ज्ञात हो, उप जानकारी जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने दी है। नालंदा का यह सरकारी विद्यालय प्राइवेट स्कूलों के भी आगे है। अक्सर यह सुना गया है कि सरकारी स्कूल में ना पढ़ाई सही से होती है और ना ही वहां का माहौल पढ़ाई के अनुकूल होता है, मगर इन सबको गलत साबित किया है नालंदा का उत्क्रमित मध्य विद्यालय ने। खबरों की माने तो नालंदा के पोखारपुर का यह स्कूल प्राइवेट स्कूलों से हर मामले में काफी ज्यादा आगे है। यहां के छात्र इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत बोलना भी बखूबी जानते हैं। प्राइवेट स्कूल की तरह यहां के छात्र स्कूल ड्रेस में आते हैं और अनुशासन के मामले में भी ये छात्र प्राइवेट स्कूल के छात्रों से बेहतर है। बिहार के एक समय का सबसे मशहूर स्कूल और आज हालत बदहाल है। राजधानी पटना के बीरचंद्र पटेल में बिहार का सबसे पुराना और मशहूर स्कूल मिलर हाई स्कूल ने बिहार के कई राजनीतिक दिए हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव, रामकृपाल यादव, कृष्णनंदन वर्मा का नाम शामिल है। लेकिन इस स्कूल की बात करें तो पिछले कई सालों से इस स्कूल को बिल्डिंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डिंग की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मिलर हाई स्कूल में ही राजकीय कन्या उच्च विद्यालय चिरैया टांड का भी संचालन इसी बिल्डिंग में करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर क्लासेस दो शिफ्टों में करवाई जाती है, मगर ना सरकार और ना ही प्रशासन इसके लिए कोई कदम उठा रहा है। मिड डे मील कर्मियों के वेतन में हुई बढ़ोतरी। सभी सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली मिड डे मील की योजना समिति ने मिड डे मील के लिए काम कर रहे पदाधिकारियों और कर्मचारियों के मानदेय में 15% इजाफा करने का ऐलान किया है, जो कि बीते शनिवार से प्रभावी हो चुका है। आपको बता दें, बिहार सरकार द्वारा मानदेय में की गई बढ़ोतरी के बाद अब फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों के 1800 रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं अकाउंट अफसर के मानदेय में 6026 रुपये का इजाफा किया गया है। गंगा का पानी घर घर पहुंचाने के लिए जारी की गई राशि। बिहार के कई जिलों में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने गंगा जल को घर घर पहुंचाने के लिए गंगा जल उद्वह योजना के तहत 2,836 करोड़ की राशि आवंटित कर दी है। आपको याद दिला दें, इस योजना का सीधा लाभ फिलहाल गया, बोध गया और राजगीर वासियों को होगा। ज्ञात हो, उक्त निर्देश गया के मगध प्रमंडलीय आयुक्त असंगबा चुबा आओ ने कार्यालय सभागार में जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा बैठक के दौरान दी है। कन्हैया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो टुक दी नसीहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले समर्थन के बाद अब कन्हैया कुमार ने नीतीश कुमार को सीएए और एनआरसी के विरोध में आने की नसीहत दी है। अपने जनगणमन यात्रा के तहत उन्होंने सिवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह अपील की है कि वो भी बिहार विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करे और इन दोनों विधेयकों के खिलाफ प्रस्ताव भी लाए। आपको बता दें, हाल ही में बेतिया पहुंचे कन्हैया को सभा को संबोधित करने से रोक दिया गया था, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कन्हैया को सभा करने की अनुमति दिलवाई थी। जमुई के सिमलतुल्ला हिल स्टेशन में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मिनी शिमला के नाम से विख्यात सिमलतुल्ला अपने प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। भारतीय पौराणिक के अनुसार महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस का साधना स्थल या तपोभूमि के रूप में यह बेहतर जाना जाता है। यहाँ ठंड के दिनों में पर्यटक सिमलतुल्ला की हरे भरे बाग बगीचे, सुंदर सुंदर झरने व पहाड़ों का दीदार करते हैं। स्वामी विवेकानंद भी यहाँ दो बार भ्रमण के लिए आए एवं अपनी किताब में यहाँ के जलवायु की प्रशंसा की है। यहाँ के महान परिदृश्य और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता आपको आश्चर्यचकित कर देगी। जब कभी भी आपको समय मिले, खासकर ठंड के मौसम में, तो यहाँ अवश्य आए। संसद में बजट हुआ पेश। बीते दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया, जहां पर इस साल विभिन्न क्षेत्रों को राहत दी गई। वहीं कई क्षेत्रों के लिए बजट इस साल कुछ खास लेकर नहीं आया है। पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। वहीं इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स को भी राहत दी गई है, जिसके तहत 5 लाख तक की आय वाले लोगों को टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है। वहीं 5 से 7.5 लाख की आय वालों को 10% टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 लाख वालों को 15%, 10 से
12.5 लाख वालों को 20%, 12.5 से 15 लाख वालों को 25%, वहीं 15 लाख से ऊपर की आय वालों को टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है। जदयू नेता रामलखन महतो ने दुनिया को कह दिया अलविदा। जदयू नेता और दल सिंह सराय से विधायक रामलखन महतो ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वहीं उनके गुजरने के बाद उनकी आखिरी दर्शन के लिए उन्हें बिहार विधानसभा परिसर में ले जाया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई अहम नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की और साथ ही उनकी शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए परिवार से मुलाकात भी की। लालू यादव से मिलने पहुंचे रघुवंश प्रसाद सिंह। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह जगदानंद सिंह के साथ हुई मुलाकात के बाद रांची के रिम्स पहुंचे, जहां उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की और साथ ही जगदानंद सिंह के साथ हुई मुलाकात का जिक्र भी किया। हालांकि लालू यादव से मिलने जाने से पहले रघुवंश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत भी की, जहां उन्होंने कहा कि वो बस राष्ट्रीय अध्यक्ष का हालचाल लेने जा रहे हैं। इसके आगे उन्होंने जगदानंद सिंह को लेकर कहा कि जगदानंद सिंह भी पार्टी का हिस्सा है, ऐसे में उनसे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बातचीत भी जरूर होगी। भारतीय टीम की जीत पर अमिताभ बच्चन ने अपने अंदाज में दी बधाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मैच में एक बार फिर से मैच सुपर ओवर की तरफ बढ़ा। वहीं टीम इंडिया ने एक बार फिर हाथ से निकले हुए मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया, जिसकी प्रशंसा हर तरफ से की जा रही है। इसी क्रम में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी टीम इंडिया की तारीफ अपने अंदाज में की है, जहां उन्होंने एक कविता के जरिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी है। अपने पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि न्यूजीलैंड गेंद बल्ला खेले भारत संग, 3-0 से हार चुके फिर भी न उड़े उनके रंग, दुई बार एक के बाद एक खेले हैं सुपर ओवर भैया, दोनों ही बार पछाड़ दिए गए, अब बोले हाय हाय दैया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टी20 आज क्लीन स्वीप पर होगी भारत की नजर। न्यूजीलैंड के बे ओवल मैदान पर आज भारत और न्यूजीलैंड के 5 मैचों के टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज में 4-0 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम आज का मुकाबला जीतकर न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप करना चाहेगी। चौथे मुकाबले में 3 बदलाव के साथ उतरी भारतीय टीम आज के मुकाबले में भी कुछ बदलाव कर सकती है। बाहर बैठे कुलदीप यादव, ऋषभ पंत को आज मैच में मौका दिया जा सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,120 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,900 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 77.87 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.89 रुपए प्रति लीटर था। बजट पर मांझी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने बजट के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी की है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कमजोर मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो बिहार के लिए विशेष दर्जे का मांग कर करके मुंह थिथरा गया है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी किसी भी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। मैं खुद नीतीश कुमार का प्रशंसक रह चुका हूं, मगर आज ये साफ दिखता है कि वो एक कमजोर नेता बन चुके हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है सूरज ठाकुर, वीरेंद्र कुमार, अजीत कुमार, सचिन कुमार, नईम हुसैन, आलोक कुमार, नवीन कुमार, दीपू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा जारी किया गया बजट आपके हिसाब से कैसा रहा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।